दीपक सिंह, आप देख रहे हैं डीएन डे न्यूज। आज का इस कार्यक्रम जो कि स्किल फॉर लाइफ है, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। स्किल फॉर लाइफ इस कार्यक्रम में हम एक नया स्किल के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, और ये स्किल क्या है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अर्थात समस्या समाधान कौशल। तो इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है और इसको और किस किस स्किल के मदद से हम इसको और निखार सकते हैं अपने अंदर, इसी के बारे में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करते हैं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसा स्किल है जिससे हम अपनी और दूसरों के समस्याओं का हल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस स्किल के मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को यानी समस्या के समाधान को बहुत ही बड़े आसान तरीके से कम समय में क्या कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है, ठीक है, ये सभी में नहीं होता है। ये इसको क्या करना पड़ता है, अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसको अपने अंदर जन्म देना पड़ता है। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे ऐसे स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम का, ठीक है, समाधान करने के लिए हमें प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचना होता है। जब तक हमें प्रॉब्लम का मूल समस्या पता ना चल जाए, तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या नहीं कर सकते। यानी मूल कारण ना हमको, किसी भी समस्या का मूल कारण ना हम लोगों को पता चल जाए, तब तक हम किसी भी समस्या को यानी क्या नहीं कर सकते, समाधान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक समस्या के मूल कारण तक पहुंचना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए कि आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस का जो परफॉर्मेंस है यानी जो कार्य है आपका ऑफिस का, उसका जो परफॉर्मेंस है बाकी ऑफिस के कार्य के परफॉर्मेंस के बराबर नहीं है। ठीक है, जो कि एक समस्या हो गया। अब इसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो इसको समाधान करने के लिए आपको तो पहले कहां जाना होगा, समस्या के जड़ तक जाना होगा। आपको पता करना होगा कि एक्चुअल में क्या है समस्या। तो हो सकता है कि जब आप समस्या का समाधान करने जाएं तो आपको पहले नजर में लगे कि कम कार्य होने के कारण, ठीक है, आपका समस्या ये उत्पन्न हो रहा है यानी परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये भी हो सकता है कि जो कार्य करने के लिए आपने वर्कर रखे हैं उसका वर्कलोड ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है, या उसको उस चीज कार्य का अभाव मतलब ज्ञान ना हो इसके कारण भी हो सकता है। तो ये चीज भी हो सकता है। तो जब आपको ये समस्याएं पता चले तो उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि कैसे हम इस समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जब उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है कि अगर वर्कलोड के कारण हो रहा है तो जो उस ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाइए जिससे उसका वर्कलोड क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। या अगर उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है जो आप उसको कार्य दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उस चीज के बारे में उसको क्या कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए।
तो ये हो गया समस्या का समाधान करना। अब जब आप इस समस्या के मूल कारण को जानेंगे या उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाके आपका समस्या का क्या होगा, सही तरीके से समाधान होगा। तो इसी को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, अब आप बात करते हैं और कौन कौन सा स्किल है जिससे हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं। जैसे में कम्युनिकेशन स्किल, पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल। प्रायः देखा गया है कि बहुत ऐसे समस्याएं जो हैं सामने आती है जो कि आसानी से एक बातचीत करके ही क्या किया जा सकता है, उसका हल निकाला जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं, कार्यालय होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्यालय होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरव्यू में जब वो अपने वर्कर का अपॉइंट करते हैं तो वो लोग कम्युनिकेशन स्किल को खोजते हैं। लोगों के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनसे वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना कम्युनिकेटेड है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग स्किल। ये डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। लगभग बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन स्किल है उसको आसानी से कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल ज्यादा मात्रा में होगा और आप सटीक क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग स्किल जब आप में होता है, यानी आप में जो जैसे आपने कोई निर्णय ले लिया, ठीक है, कोई आपने निर्णय ले लिया कि ये करना है, तो आपके अंदर क्या होता है, एक तरह का ऊर्जा शक्ति जो है क्या होता है, निकलता है, आपके अंदर से एक शक्ति मिलती है आपको कि ये कार्य को हमको करना है। तो उसमें आपका क्या होने लगता है, रुचि होने लगता है, ठीक है, जिससे आप आसानी से मतलब कोई भी चीज का निर्णय आप ले लेते हैं तो उसको आप आसानी से करने की कोशिश करते हैं। इसी में आपका बहुत सारे समस्या जो आते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिसर्च स्किल। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों में कुछ आदत होती है कोई चीज को रिसर्च करने की और उससे रिलेटेड कुछ रहस्य को जानने की। ठीक है, तो ये स्किल भी अगर आप में है तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी समस्या के जड़ तक जाने में ये स्किल आपका क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, उसी तरह एनालिसिस स्किल के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और एक अंतिम में होता है टीम वर्क स्किल। ठीक है, ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी अगर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप में ये टीम वर्क स्किल होना चाहिए, सबके साथ मिलकर काम करने का। क्योंकि अकेले आप कोई भी कार्य का, यानी कोई भी समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि अकेले नहीं किया जा सकता है, आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए, टीम वर्क चाहिए। ठीक है, तो टीम वर्क क्या होते हैं, वो वर्क बांटा जाता है जिसको सभी लोग को करना होता है और वो सब कार्य मिला के उस समस्या का समाधान होता है, चाहे वो कोई कार्य हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए टीम वर्क भी होना जरूरी है। तो हर एक में ये टीम वर्क स्किल भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इन सब स्किल से हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निखार सकते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट कार्यक्रम में दूसरे स्किल को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।